हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के माजी को नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आपको जो हाई स्कूल का अभी मैथ का पेपर हुआ है 2024 में, उसको आज सॉल्यूशन कराएंगे। तो दोस्तों, ये है, आप देख सकते हैं, इसका कोड दे रखा है 822HY, ठीक है, 2024 गणित। तो दोस्तों, ये 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है इसमें, और आप लोगों को अभी मैं चेक कराता हूँ आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं 20 आपके, उसमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके आप बताना आपको कि आपके कितने सही हुए। तो अब देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन निकालते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पेपर आप देख सकते हैं ये वाला है, ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आ चुका है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल दोस्तों आपको कैसे निकालना था। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस के वी अपॉन ए। तो यहाँ पे तुलना करते ax² + vx + c से तुलना करते यहाँ पे, तो आपका क्या a का मान 3 हो जाता, b का मान 5 और c का मान 2। तो दोस्तों, यहाँ पे b का मान कितना हो जाता, यहाँ पे b का मान 5 हो जाता। तो b का मान यहाँ पे लगाते 5, और a का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर योगफल में, और a का मान कितना 3 है, तो यहाँ पे 3, तो माइनस के 5/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, कंडीशन क्या होती है, a1 / a2 / b1 / b2 ≠ c1 / c2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2/3 = a - 5 = 1/7, माइनस माइनस तो यहाँ पे कट ही जाएगा। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू, तो इन दोनों को बराबर करते तो 5 × 2 कितना होगा दोस्तों, 10, और 3 का इधर क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3a। तो a का मान यहाँ पे कितना रहा था, -10/3। तो ये था आपका -10/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, समीकरण अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x² + 5x + 4 के मूलों की प्रकृति होगी। ठीक है, तो इनके मूलों की प्रकृति आप लोग देख सकते हैं, फॉर्मूला लगा b² - k 4ac = 0। ठीक है, अब इसको लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तुलना करेंगे हम ax² + vx + c = 0। तो a का मान कितना आ जाएगा, 2, और b का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है, 2 लगाओ, c का मान कितना है यहाँ पे, 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 माइनस के 4 × 16 = 32, मतलब यहाँ पे दोस्तों माइनस में मान आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है तो दोस्तों क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे परमेय बराबर है, अपरमेय है या अपरमेय असमान है, तो यहाँ वास्तविक नहीं है। ठीक है, इसको लगा देंगे वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक मान है, प्रकृति है इसकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... 254 का अंत से दशा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमको यहाँ पे दे रखा है, ए का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है। ठीक है, डी का मान यहाँ पे कितना, 9 में से 4 घटाओ 5 बचा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए एन का मान निकाल लेंगे, फिर हम इसमें से 254 में से, जैसे डी का मान कितना है, 5 है, तो 254 में से हम घटाएंगे, 5 घटाएंगे, फिर दो पद निकाल के, फिर उसमें डी का मान जो निकलेगा, फिर उसका दसवां पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 209। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार तो अभी किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, समरूपता कसौटी प्रमेय से इसको देखना था कौन सा समरूप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ab/de। ठीक है, और bc/ कितना हो जाएगा, df। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज समरूप, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज abc समरूप है त्रिभुज edf के। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां सवाल है ये, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो दोस्तों रूट में इनका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, 9 कितना हो गया, 25। तो रूट में से 25 को बाहर निकालने कितना निकल आएगा, 5 निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इसका आपको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद में हम आपको डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्पीड में बता देते हैं, क्योंकि आप लोग आप अपने आंसर को चेक कर सको। ठीक है, तो अब दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है, कॉट ए बराबर कितना, 3/4। तो यहाँ से हम एक और मान निकाल लेंगे, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, LaL/KKa। ठीक है, आधार बट्टा लंब होता है, तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण यहाँ पे निकलेगा दोस्तों, कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। और हम सेक बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार,
कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार होता है सेक बराबर, तो यहाँ पे आप लोग कर्ण कितना है 5 है, ठीक है, 5 बट्टे आधार। आधार कितना है तुम्हारा देख सकते हैं आप लोग, आधार कितना था, आधार था 3, तो यहाँ पे 5/3 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों बराबर लेके आने हैं। तो इसमें दोस्तों एक ही आंसर सही है इसका, ये है तुम्हारा 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री पर ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। लगा लो अल्फा की जगह पे 0 लगा लो, यहाँ पे भी 0 लगा दो, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है, और किसी मान पे बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:1, मतलब छाया से एक अनुपात 3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो दोस्तों इस कंडीशन में उन्नयन कोण कितना निकलता है दोस्तों, 30 डिग्री निकलता है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाएं स्पर्श की संख्या होती है, तो वो दोस्तों समांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है और स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल है दोस्तों 11वां, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो दोस्तों ये थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लगाना था, वहाँ पे थीटा का मान दे रखा कितना 60 डिग्री और यहाँ पे तुम्हारा आर का मान कितना दे रखा था 12, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देते थे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो थीटा का मान दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 60/360 गुणा पाई, पाई ऐसे कैसे क्योंकि पाई में मान दे रखा है 12 गुणा 12, ठीक है, 0 से 0 काटो, 6 से 6 बार काटो, तो 6 से 2 बार काटो, 12 दूनी 24 पाई, तो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है, ये है आपका 11 का आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, अगला क्वेश्चन है यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है दोस्तों क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, तो गोले का आयतन तो वहाँ पे क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, व्यास दे रखा है यहाँ पे 2r बराबर कितना दे रखा है d दे रखा है, r बराबर कितना हो जाएगा d/2, ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 पाई के रूप में निकालना, तो पाई गुणा r का मान यहाँ पे लगाएंगे तो r का मान कितना है d/2 है, तो d/8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब d³/6 × π, ठीक है, तो d³/6 × π ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है r त्रिज्या के एक ठोस अर्ध का कुलपृष्ठीय क्षेत्रफल, कुलपृष्ठीय क्षेत्रफल 3π r² होता है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य का वर्ग होगा, तो माध्य का वर्ग दोस्तों पहले हमको इसकी संचयी बारंबारता निकालनी थी, फिर उसका n/2 निकालेंगे, n/2 किस में लाई कर रहा है, फिर उसका वर्गांतरण निकालेंगे, तो ये लाई कर रहा था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 और 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट में बताना दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, प्रत्येक सवाल को करा देंगे, ठीक है, डिटेल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बारंबारता सारणी के मध्य और माध्य का क्रमशः 27 और 29 हैं, तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर वाला, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था दोस्तों क्या था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 33, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता, फॉर्मूला में लगा के इसको निकालना था, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है आपका निम्न सारणी दे रखा है, ये वर्गांतरम, इसका माध्य बताना है, समांतर माध्य, तो दोस्तों इसमें क्या था समांतर में, पहले तो इसका हम x का मान निकालते हैं, xi का मान, ठीक है, और fi का मान ये दे रखा है, फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, तो xi गुणा fi / fi, मतलब समीशन में इनका कुल दोनों का योग करके, ठीक है, तो ये निकला था आपका 23, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो दोस्तों एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी आपकी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही हो, मतलब एक ही दिन जो दोनों का जन्म हुआ हो, तो वो होगी दोस्तों तुम्हारी प्रायिकता होगी 1/365, अगर भिन्न भिन्न दिनों में हुआ हो तो वो हो जाएगी 364/65, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका 19वां,
2.3 और 4.3 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना था दोस्तों, वहाँ पे रोड में होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 2√3। ठीक है, इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी, तो दोस्तों अपरिमेय संख्या देख सकते हैं रूट में से ये बाहर निकल आएगा 5 निकल आएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, 81 बाहर निकल आएगा 9 हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। पी पॉन क्यू के रूप में परिमेय संख्या हो जाएगी, ये एक ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन, आप लोग इसमें से कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 20 में से। ठीक है, अगर आप इसका डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, तो हम इसका आपको प्रत्येक सवाल का डिटेल में सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।